goods worth ₹5,000 distributed as free sample. Goods worth ₹5,000, 5,000 का सामान distributed as free sample, free में बांट दिए sample के तौर पे. तो क्या बांट दिए भाई, एक account का नाम हो गया सामान, और दूसरा हम फ्री में सामान बांटे, किस लिए बांटे, क्या ऑब्जेक्ट है मेरा, एडवर्टीजमेंट करना. हम फ्री में सामान बांटते हैं, एक के साथ एक फ्री, या 5 किलो पे 1 किलो फ्री, जो भी, किस लिए बांटा जाता है, एडवर्टीजमेंट करने के लिए. तो दूसरा अकाउंट का नाम हो गया एडवर्टीजमेंट. ओके, गुड्स एसेट्स है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, हम जितना खर्चा करते जाएंगे, पैसा सामान कुछ भी, मेरा खर्चा क्या होगा, बढ़ेगा. एक्सपेंस क्या होगा, बढ़ेगा. और मेरे पास सामान क्या होगा, घटेगा. क्यों, क्योंकि हम फ्री में बांट दिए. अब देखिए, एक्सपेंस बढ़ने से क्या बोले थे, डेबिट, और एसेट्स घटने से क्रेडिट. जिसका डेबिट करना है उसका नाम एडवर्टीजमेंट है, लेकिन जिसको क्रेडिट करना उसका नाम गुड्स है. तो गुड्स के जगह क्या लिखेंगे, अभी हम बताएं कि यदि हम सामान खरीद के लाते हैं तो उसका वर्ड यूज करते हैं परचेजेस, सामान बढ़ गया. बेचते हैं तो सामान घटता है, क्या करते हैं, सेल. बेचने के अलावा किसी और कारण से अगर मेरा सामान घटेगा तो उसको क्या लिखेंगे, परचेजेस. क्यों, क्योंकि वो हम कॉस्ट प्राइस पे करते हैं, तो इसका नाम क्या हो गया, परचेजेस. तब देखिए एंट्री क्या लिखेंगे, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, टू परचेजेस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. क्लियर. नेक्स्ट देखिए, गुड्स वर्थ ₹2,000 गिवन एज चैरिटी. चैरिटी मतलब होता है दान दक्षिणा. 2,000 का सामान हम फ्री में दे दिए दान दक्षिणा, भलाई का काम के लिए. तब क्या दिए, गुड्स क्या चीज के लिए दिए, चैरिटी के लिए. चैरिटी मेरा एक्सपेंस है, दान दक्षिणा जो भी करते हो मेरा खर्चा है, गुड्स मेरा एसेट्स है. सामान घट जाएगा, एक्सपेंस बढ़ जाएगा. एक्सपेंस बढ़ने से डेबिट, एसेट्स घटने से क्रेडिट. अब इस गुड्स का नाम क्या लिखेंगे, पहले ही बोले थे परचेजेस. व्हाई, बिकॉज इस ये किस प्राइस पे किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पे. तब एंट्री क्या हो गया, देखिए, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, 2,000 बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी. नेक्स्ट देखिए, कभी कभी बोला रहता है कि गुड्स वर्थ ₹5,000 यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर. 5,000 का सामान हम यूज कर लिए फर्नीचर बनाने में. 5,000 का सामान यूज कर लिए, मान लीजिए मेरा लकड़ी का बेचने का दुकान है या कारखाना है. हम क्या कर रहे हैं, अपने यहाँ फर्नीचर, कुर्सी टेबल चेयर बनवाना है, तो दूसरे के दुकान से लकड़ी खरीद के आएगा, नहीं, हम अपने ही दुकान से क्या किए, लकड़ी निकाल के फर्नीचर बनवा लिए. तब तो इसका मतलब जो सामान हम बेचने के लिए रखे थे, स्टॉक था मेरा, उसको हम यूज कर लिए अपना फर्नीचर बनवाने में. तब एक अकाउंट का नाम क्या हो गया, सामान, और दूसरा क्या बनेगा उसके बदले, फर्नीचर. एक हो गया सामान और एक हो गया फर्नीचर. सामान भी एसेट्स है, फर्नीचर भी एसेट्स है.
फर्नीचर बनवाएंगे तो मेरे पास फर्नीचर बढ़ेगा, लेकिन सामान क्या होगा, घटेगा, क्योंकि सामान निकाल के यूज कर लिए। एसेट्स बढ़ने से डेबिट और घटने से क्रेडिट। अब जिसको क्रेडिट करना उसका नाम गुड्स है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, परचेजेस, क्योंकि ये सेल प्राइस पे नहीं होगा, कौन सा प्राइस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे। तब देखिए एंट्री क्या लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। देखिए 5000 बीइंग गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए दिया है मोहन अ डेटर ऑफ रुपीज 30,000 रिसीव्ड रुपीज 40,000 बिकम इंस्टॉलमेंट एंड 50 पैसे इन अ रूपी रियलाइज फ्रॉम हिज स्टेट। मोहन अ डेटर ऑफ रुपीज 40,000, मोहन नाम का आदमी जिससे हम 40,000 रुपया पा रहे हैं, डेटर है मेरा, बिकम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट हो जाना मतलब दिवालिया हो जाना, कोई आदमी बहुत ज्यादा कर्जा खा लेगा, उसके नाम से प्रॉपर्टी या संपत्ति कम रहेगा, बहुत सारा उसके नाम पे कोर्ट में केस होगा, तो कोर्ट डिक्लेयर कर देगा उसको इंसॉल्वेंट, ये आदमी अब दिवालिया हो चुका है। क्लियर? तो जब कोई आदमी दिवालिया होता है, तो जब कोई आदमी दिवालिया होता है इंसॉल्वेंट, तो उसका क्या करता है, कोर्ट प्रॉपर्टी को जब्त कर लेता है अपने अंडर में, बेच बेच के कर्जा को चुकता किया जाता है, तो वो भी इंसॉल्वेंट हो गया। एंड 50 पैसा इन अ रूपी, 1 रुपया का 50 पैसा मतलब आधा, रियलाइज्ड फ्रॉम हिज स्टेट, उसका घर बड़ी बेच के हमको कितना मिला, हाफ मिला, जितना पा रहे थे उसका आधा मिला। तब अब देखिए एक अकाउंट का नाम क्या हो जाएगा, मोहन, किससे पाए, मोहन से। दूसरा अकाउंट का नाम बैंक, क्यों, क्योंकि कोर्ट कभी पैसा कैश में नहीं देता, हमेशा चेक में देगा या अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, बैंक। और तीसरा अकाउंट का नाम हो गया बैड डेप्ट, तीसरा अकाउंट एक नया अकाउंट बैड डेप्ट। बैड डेप्ट मींस डेप्ट व्हिच इज कंफर्म्ड दैट विल नॉट बी रियलाइज्ड इन फ्यूचर, वह उधारी जो कंफर्म हो गया कि अब मिलने वाला नहीं है, डूब गया, जो पैसा डूब गया उसको बोलते हैं बैड डेप्ट। तो मोहन से हम कितना पा रहे थे, 40,000, हमको कितना मिला, 50% मतलब 20,000, और मेरा कितना डूब गया, 20,000। मोहन मेरा एसेट्स था, याद है, हम उसे पैसा पा रहे हैं, बैंक बैलेंस भी मेरा एसेट्स है, बैड डेट मेरा लॉस है। लॉस बढ़ने से क्या करते हैं, डेबिट। बैंक बैलेंस मेरा बढ़ जाएगा एसेट्स बढ़ने से, डेबिट, और मोहन भी मेरा एसेट्स है लेकिन उसका खाता घट जाएगा घटने से, क्रेडिट। जो एसेट्स बढ़ता है वो डेबिट और घटता है तो क्रेडिट। तब एंट्री क्या लिखेंगे, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट कितना मिला, 20,000, बैड डेट अकाउंट डेबिट कितना, 20,000 टू मोहन अकाउंट कितना, 40,000। बैंक अकाउंट डेबिट 20,000, बैड डेट अकाउंट डेबिट 20,000 टू मोहन अकाउंट 40,000 बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम मोहन पार्ट मनी एंड बैलेंस रिटेन ऑफ एज बैड डेट।
received from Mohan, part money and balance written off as bad debt. Okay, next देखिए, कभी बोला रहता है समझ में, देखिएगा bank charged commission ₹1000, बैंक चार्ज्ड कर लिया मतलब काट लिया, डेबिटेड या चार्ज्ड कमीशन ₹1000, ₹1000 कमीशन काट लिया बैंक वाला, ₹1000 कमीशन काट लिया मेरे अकाउंट से। एक अकाउंट का नाम हो जाएगा बैंक, दूसरा क्या काट लिया कमीशन। बैंक मेरा एसेट्स है, कमीशन एक्सपेंस है, क्योंकि हम दिए पहले ही बताए थे, बैंक मेरा एसेट्स, कमीशन मेरा एक्सपेंस, कमीशन एक्सपेंस बढ़ जाएगा, बैंक वाला मेरे यहां से मेरे अकाउंट से पैसा काट लेगा, मेरा खर्चा क्या होगा बढ़ गया, मेरा बैंक बैलेंस क्या होगा घटेगा। बैंक एसेट्स घटने से क्रेडिट करेंगे, एक्सपेंस बढ़ने से डेबिट करेंगे। अब एंट्री क्या करेंगे, कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कमीशन कितना 1000, बीइंग बैंक चार्ज्ड कमीशन। नेक्स्ट देखिए, दिया रहता है बैंक अलाउड इंटरेस्ट ₹2000, बैंक अलाउड अलाउ किया दिया इंटरेस्ट दिया कितना रुपया 2000, ऑन डिपॉजिट जोड़ सकते हैं, जो मेरा पैसा बैंक में जमा है बैंक वाला उस पर हमको इंटरेस्ट दिया, हम पाए इनकम है मेरा। एक अकाउंट क्या हो जाएगा बैंक, दूसरा का नाम हो जाएगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मेरा क्या है इनकम है, बैंक बैलेंस मेरा क्या है एसेट्स है। बैंक हमको कभी भी इंटरेस्ट देगा तो घर से बुला के पैसा नहीं देगा कि आके इंटरेस्ट ले जाइए, मेरे अकाउंट में क्या करेगा बढ़ा देगा, तो मेरा बैंक बैलेंस क्या हो गया बढ़ गया, मेरे बैंक बैलेंस पे इंटरेस्ट मिलेगा तो मेरा बैंक बैलेंस क्या होगा बढ़ जाएगा, मेरा इनकम भी क्या हो गया बढ़ गया, इनकम बढ़ने से क्रेडिट, एसेट्स बढ़ने से डेबिट। तब क्या लिखेंगे देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट कितना 2000, बीइंग बैंक